वही ताकत जिन्होंने, जहां तक हमारा मानना है, भाई चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जो हमला, जानलेवा हमला हुआ, वह सत्ता पोषित गुंडों द्वारा हमला हुआ है। यह तो तब तय हो जाएगा जब सीबीआई द्वारा निष्पक्ष तरीके से जांच हो जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आज देश के कोने कोने से आए हुए साथियों ने, जो लाखों की तादाद में आप आए हुए हैं, ये आज साबित करता है कि आने वाले दिनों में आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद भाई के द्वारा इस देश के तानाशाही ताकत को उखाड़ फेंकने में आप इस देश के तानाशाह का चूल्हे हिला देंगे। साथियों, ज्यादा न कहते हुए सिर्फ इतना कहूंगा कि हम लोकतंत्रवादी हैं, हम संविधानवादी हैं, हम देश के कोने कोने में संविधानवादी तरीके से पूरी मजबूती से संविधान को साथ लेकर के एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के साथ चलेंगे। किसी भी तरह का कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये हमको प्रण लेना होगा। धन्यवाद। जय भीम, जय सरदार, जय संविधान। साथियों, मैं अनुरोध कर रहा हूं आदरणीय विधायक कमाल अख्तर साहब से, वह आए और अपनी बात को रखें। माननीय विधायक कमाल अख्तर साहब, इनके बाद अतुल प्रधान जी, विधायक मदन भैया जी और हमारे किसान नेता त्रिंदर सिंह जी, जिनके ऊपर लखीमपुर में भाजपा सरकार के मंत्री के बेटे ने गाड़ी चला दी, वो भी अपना समर्थन देने यहाँ आए हैं। माननीय विधायक कमाल अख्तर साहब को आप लोग सुने। आप लोग जो जहाँ है वहीं अपने अपने स्थान पर रहना, आगे मत आना, आगे बिल्कुल जगह नहीं है। पेड़ों पर चढ़ गए हैं, पेड़ टूट ना जाए, पेड़ से नीचे उतर जाओ, डाली टूट जाएगी। कृपया माननीय विधायक जी आए। कमाल अख्तर साहब, इस धरना प्रदर्शन के अध्यक्ष जी, कार्यक्रम के अंदर मौजूद आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर जी, मंच पर मौजूद भीम आर्मी के और आजाद समाज पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के सभी विधायक सांसद और सामने खड़े ये पूरे देश से आए हुए भीम आर्मी के और समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और साथियों, मैं अपने नेता अखिलेश यादव जी के निर्देश पर जो जुल्म और जाती अन्याय जो आज उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, उसके खिलाफ इस धरना प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी की तरफ से समर्थन देने भाई चंद्रशेखर जी के लिए, उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ, उसके लिए हम लोग मांग करते हैं कि भारत की सरकार उसकी सीबीआई जांच करे। आप सब लोग जानते हैं कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर जब चंद्रशेखर जी जैसे आदमी, जिसके पीछे लाखों लोगों की आवाज है, जब एक कुचलों की लड़ाई लड़ने वाले, मजलूमों की लड़ाई लड़ने वाला जैसा आदमी सुरक्षित नहीं है और मामूली से लोग आकर उसकी हत्या का प्रयास करते हैं, तो आम आदमी की क्या वो होगी। मैं आपसे यही अपील करने आया हूं कि ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी, समाजवादी पार्टी आपके कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई के अंदर साथ है, जब तक भाई चंद्रशेखर आजाद के लिए ये सरकार सीबीआई इंक्वायरी की घोषणा ना कर दे। आप लोगों ने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जय भारत, जय भीम। मैं अनुरोध कर रहा हूँ माननीय विधायक अतुल प्रधान जी से। माननीय विधायक अतुल प्रधान जी कृपया मंच पर आए, इनके बाद माननीय विधायक मदन भैया जी तैयार रहे, माननीय विधायक गुलाम मोहम्मद जी भी आ चुके हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। माननीय विधायक अतुल प्रधान जी अब अपने बात को आपके सामने रखते हैं। जो लिए भाई भीम
बस सारे नए लड़के हो यार, जोर से बोलो भाई, ऐतिहासिक प्रोग्राम में कोने कोने से चलकर आप तक पहुंचे हैं। मैं आप सब लोगों की इस उपस्थिति को क्रांतिकारी जय भीम, आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि आप सब लोग जिस मिशन के लिए निकले हैं ये आने वाले समय पर आपको आगे की तरफ लेकर जाएगा। भाई चंद्रशेखर, आपने पिछले दिनों देखा होगा पूरे देश में जिन्होंने घूम घूम कर बहुजन समाज, पिछड़ा समाज, असलियत के भाइयों को, अखिलेश के भाइयों को एक ताकत देने का काम किया। ऐसी सोच जो मनुवाद को बढ़ावा देती है, उस सोच को कमजोर करने का काम जो चंद्रशेखर भाई ने किया है, उस सोच को आप सब हम सब लोगों को आगे मिलकर बढ़ाना है। लेकिन पिछले दिनों जो एक सोची समझी रणनीति के तहत कातिलाना हमला हुआ, अब तो आसमान भी आपके साथ हो गया, देखो मौसम भी ठंडा हो गया। बैठ जाओ, अपने चक्कर में सबको खराब मत करो, बैठो सब लोग पहले, तभी बात होगी मंच से। बैठ जाओ, जब तक आप लोग नहीं बैठोगे मंच नहीं शुरू कराऊंगा। मैं 5 मिनट इंतजार करूंगा वरना मैं जाऊंगा वापस, मुझसे नहीं आता ये सब बिल्कुल भी। आप अपनी जगह बैठो, 20 के लोग भी बैठो, बिल्कुल नहीं चलेगा खड़े होने का ही। बैठो पहले आप लोग, तभी रखी जाएगी मंच से बात। बैठो जल्दी, फटाफट ये 20 के लोग जो है किसान, कामगार, मजदूर, मेहनत कश लोग हो, बैठ जाओ अपनी अपनी जगहों पर। और आपकी वजह से देखो बहने माए भी आपके बीच में, ये भी ध्यान रख लो, यही तो हमारी पहचान है ना।